नमस्कार श्रीमा किचन रे आपण समस्तंकु अनेक अनेक स्वागत। आज मु आपण मानक सहित शेयर करबा पई नेकि आछि रोही माछ आंबुल राई। मु आगरु माछर वीडियो आपण मानक सहित बहुत शेयर करछि, किंतु एही रेसिपीटा आपण मानको बहुत डिफरेंट लागिवो आ खाइबा को भी बहुत टेस्टी लागिवो। सेति पई मु केमिति बनाउछि वीडियो को फुल वाच करंतु आ भल लागिले गोटे लाइक कर दियंतु। तो रोही माछ आंबुल राई बनेया पई प्रथमे मु नै जाइछि रोही माछ गोटे केजी आउ ताकु काटिकी भल भाव धोईकी रखी। तो एबे आमे ए माछ को मेरिनेट करिबा। तो सेथिपाई प्रथमे मु एठी गोटे फाळे लेंबू को चिपुडी दउची। जदि आपण एठी लेंबू फाळे चिपुडीबे ताहाले माछर आमिष स्मेलटा आउ आसिबोनी आउ खाइबा को बहुत बढ़िया टेस्ट लागिबो। तापर लुणो एठी दे दउची स्वाद अनुसार आउ तापर हळदी गुंड दे दउची एठी मु गोटे चमचर। बस एतिकी जिनिस देकी ताकु भल भाव गोळेबा। तो एठी देखंतु फ्रेंड मो माछ को लुण हळदी देकी भल से मेरिनेट कर देची। तो ए माछ को किछ समय पई घोडेकी रखिनेबा। तो रोही माछ आंबुल राई पई गोटे मसला बने देबा। तो मसला पई देखंतु मु एठी नै जाइची गोटे ब्लेंड जार आ सेथिरे बडो 2 चमच सोरिसा दे दउची, कारण एटा आंबुल राई हबो। आ तापर एथिरे दे देबा गोटे चमच रो जीरा आ 8-10 टी रसुण कोला दे देबा। आ तापर किछ सुखिला लंका दे देबा आ शेषरे किछ कटा पियाज दे देबा। बस एतिक जिनिस देकी प्रथम आम शुखिल ग्राइंड कर नहीं आसवा। तो ये देखते शुखिल मुझे ग्राइंड करापर एम से अल्प पा दे मसला को पूरा चिकण करके बाटिक नहीं आसवा। तो ये देखते फ्रेंड मो मसला को पूरा चिकण करके बाटिक नहीं आसी। तो ये चलतु आम अलग प्रिपरेसन करे। तो ये देखते फ्रेंड मो 2 आलू को लंबा पतला कर पाने रखी। आदि रोही माछ राई में जब आलू पक तार टेस्टा आउटे अधिक आसपा आपण मैंने आलू पकेबे। आठ देखते मो 2 टमाटो को बड़ बड़ पीसेस काटि बास 2 टमाटो ही पकेबे। अधिक टमाटो पकेबे कारण से आंबुल भी पड़ो। आउे गोटे पिज को एमती लंबा पतला काटिकी रखी। तो ये चलतु आम तरकारी बनवा। तरकारी बनवाई देखते प्रथम मो कड़े किसी तेल गरम कर आ तेल भल भाव गरम है आम जो मेरिनेट कर रखी माछ को एबे फ्राए करवा। तो फ्रेंड जदि ये रेसीपी आपण मानक भल लगुच्छे ताहले लाइक कर देबे आ मो चैनल को सब्सक्राइब करके पाखे आसा बेल आइकन को क्लिक करने। मुमी बनाऊँ वीडियो को शेष जाए देखूँ आपण मैंने शेष जाए देखुना अधार स्किप कर पढ़ाऊँ शेष जाए टी देखु आपण को वीडियो बहुत भल लगे। तो ये देखते फ्रेंड आमर गोटे सैड माछ फ्राए हो गला ओल्टे आ गोटे सैड फ्राए करने। तो ये देखते फ्रेंड एवं आम माछ फ्राए हो गला आपको एवं गोटे प्लेट को बाहर करने। तो ये देखते फ्रेंड मु सब माछ को फ्राए करें। तो ये चलत आलू को काटिक रखी से आलू को भी फ्राए करने। तो फ्रेंड मु आगुरु भी बहुत प्रकार माछ तरकारी बनईकी आपण मान सहित सेयार करी। आपण मैंने देखी ना तो ऊपर आसवा आई बटन को क्लिक करके देखिपर हेले वीडियो देखी सारापर। तो ये देखते आलू भी आमर फ्राए हो गला आपको भी चलतु प्लेट को बाहर करने। तो ये देखते फ्रेंड माछ आलू फ्राए कलापर अधिक तेल बलिकी जाइए से अल्प तेल बाहर करने। अल्प तेल में माछ तरकारी बनईबी आई तेल में प्रथम आम देदेबा पंच फुटण गोटे चमच। आ पंच फुटण जितेबाला आमर भल भाव फुटिजी से कटा पिज देदेबा। आ पिज दे सारापर आम से किसी भुसंग पत्र देदेबा भल बासना आसपापी। आपर दे देबा हलदी गुंड गोटे चमच। आपर गोटे चमच काश्मीर रेड चिल पाउडर दे देबा। आ काश्मीर रेड चिल पाउडर देले आमर तरकारी रो भल कलर आसीबो। तो एतिक जिनिस देकी आमे पियाज सहित मसला को भल भाव भाजी नेबा। आ पियाज भल भाव भाजी हेला परे आमे जो आगरु बाटिक रखी मसला को दे देबा। आउ ए बट्टा मसला देकी मीडियम फ्लेम रे 2 मिनिट पई कसी नेबा। तो एठी देखंतु मु 2 मिनिट कसी नै छी। तापर दे देबा कटा टमाटो। आउ एठी आपण माने मन रखिबे मसला जेते बळ कसी हे जीव तापर जाई के टमाटो देबे। तो टमाटो देकी एठी आमे आउ 2-3 मिनिट कसी नेबा। तो एठी देखंतु फ्रेंड आमर मसला भल भाव कसी जाई छी। एबे सेथिरे जो फ्राई करी रखीथिले आलू को दे देबा। आउ आलू को मसला सहित भल भाव मिसे नेबा। आलू सहित तो भल भाव मसला मिसला परे आमे से दे देबा पानी। पानी एठी मु 3 कप पानी नेजी। आउ एठी आपण पानी रे क्वांटिटी चाहिले कम बेसी करि परिबे।
ଆଉ ଏ ମାଛ ତରକାରୀ ମୁଁ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଅଧିକ ଝୋଳ ରଖିଛି। ତ ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ ଦୁଇ ଫଳ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇ ଦେବା। ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆଗରୁ ଆମେ ମାଛରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଲୁଣ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଫୁଟେଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମର ଝୋଳ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ମାଛକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ମାଛକୁ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକାଇବେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ମାଛ ପକାଇବେନି, ନହେଲେ ମାଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ଝୋଳରେ ମିଶିଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ମାଛକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆଉ ମାଛକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ପୁଣି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇକି କୁକର୍ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମର 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେ ସହଜରେ ଏଇ ରୋହି ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ରୋହି ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ତରକାରୀକୁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।